सो है व्हाट्सअप गाइस, स्वागत है आप सभी का एक और नई वीडियो में। और लिटरली आज इस वीडियो में हम बात करेंगे यहाँ पर मेरी जो थीम है, जिस थीम को मैं अभी यूज़ कर रहा हूँ। मैंने कल कम्युनिटी पोस्ट के ऊपर आपको इस थीम के बारे में बताया, तो आप लोगों ने इतना अच्छा रिस्पॉन्स दिया और बोला कि आपको ये थीम 100% चाहिए तो चाहिए। और आप लोग तो बोल रहे थे अभी की अभी वीडियो अपलोड करो। सो लिटरली मैं वीडियो लेकर के आ चुका हूँ। आप लोगों ने इतने सारे कॉमेंट किए तो बहुत बहुत थैंक्स आपको इतना अच्छा रिस्पॉन्स देने के लिए और इतनी सपोर्ट करने के लिए। सो फ्रेंड्स, इस थीम में आपको नया चार्जिंग एनिमेशन, नए आइकन, वॉलपेपर, सब कुछ नया देखने को मिलता है। और ये थीम रियलमी डिवाइसेस के लिए सबसे बेस्ट थीम है, इसको आपको रिकमेंड करूंगा, एक बार ट्राई जरूर कर लेना। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करते हुए करते हैं इस वीडियो को स्टार्ट। और इस बार मैंने आपको पूरा डाउनलोड करके भी बताया है थीम को, कि आपको थीम फाइल को कैसे डाउनलोड करना है। और थीम फाइल के ऊपर कोई भी पासवर्ड नहीं है, सिंपली जाकर के डाउनलोड करके आपको इंस्टॉल करना और अप्लाई कर लेना है। सो चलिए, मेरा नाम है नीतीश, आप देख रहे हैं टेक डॉट, चलिए करते हैं इस वीडियो को स्टार्ट। सो फ्रेंड्स, सबसे पहले आप देखिए इस थीम के होम स्क्रीन, आपको कुछ इस टाइप की पूरी होम स्क्रीन देखने को मिलती है। वॉलपेपर अगर आप देखेंगे तो वो भी यहाँ पर नया है। अगर आप देखेंगे यहाँ के आइकन तो वो भी आपको नए देखने को मिलते हैं। पूरे आप नए आइकन नीचे देखेंगे तो कलर ओएस 7 के आइकन भी नहीं है और कलर ओएस 6 के आइकन भी नहीं है। न्यूली आइकन आपको यहाँ पर देखने को मिलते हैं, रियलमी UI के भी आइकन नहीं है। नए आइकन पैक हैं जो आपको लिटरली देखने में और आपके डिवाइसेज में बहुत बढ़िया लग रहे हैं। और यहाँ पर नोटिफिकेशन पैनल तो मैंने चेंज नहीं किया, बट आप बोल रहे थे तो उसके लिए इस थीम का कलर ओएस का जो इस थीम का वर्जन 2 है उसमें आपका नोटिफिकेशन पैनल भी चेंज हो जाएगा। इस थीम में मैंने चेंज नहीं किया, बट इस थीम में मैंने एक नई चीज़ ऐड की हुई है, वो आपको देखकर बहुत खुशी होगी। और आइकन पैक आप लोगों ने देख लिया, कुछ इस टाइप के आपको मिनी इलास्टिक भी नहीं और एक क्लीन UI के आइकन पैक आपको देखने को मिलते हैं। और आप यहाँ पर देखेंगे वॉलपेपर तो वो भी आपको इस थीम की ओर बहुत बेस्ट वॉलपेपर देखने को मिलता है। नीचे से आपका वॉलपेपर यहाँ ब्लैक और ऊपर से आपका ब्लू देखने को, जो लिटरली मुझे तो बहुत बढ़िया लगा। और आपको बता दूँ, अगर आपको ये थीम बेस्ट है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाकर के डाउनलोड कर लेना। और आगे आपको बताऊंगा भी आपको डाउनलोड कैसे करना है, तो इस वीडियो के ऊपर बने रहिए। और आपने होम स्क्रीन इस थीम की पूरी देख ली, सेटिंग्स की लुक भी आपको ऐसी सेम जैसी कलर हुआ 6 की थी वही देखने को मिलती है। और यहाँ पर इस थीम में मैंने जो मेजर चेंजेस किया है वो इसकी लॉक स्क्रीन में है। लॉक स्क्रीन आपको कुछ इस टाइप की एज लाइटिंग के साथ देखने को मिलती है। यहाँ पर क्लॉक स्टाइल भी पूरा का पूरा चेंज कर दिया गया है, जो लिटरली देखने में बहुत बढ़िया है। और अब बात करें चार्जिंग एनिमेशन की, जो मोस्ट अवेटेड इसका मेन हाईलाइटेड फीचर है इस थीम का, वो ये रहा। आप देखिए कितना अच्छा चार्जिंग एनिमेशन आपको देखने को मिलता है। सो ये रहा चार्जिंग एनिमेशन। अगर आपको ये चार्जिंग एनिमेशन बेस्ट लगे तो प्लीज़ एक कमेंट कर देना। और अगर आपको इस थीम का कलर वाइज क्लीन UI का वर्जन 2 भी चाहिए तो इस थीम को, इस वीडियो को लाइक करना और थीम को डाउनलोड करके एक बार ट्राई कर लेना। आपके हर डिवाइसेस के ऊपर ये थीम वर्क करेगी, कलर ओएस 3 के ऊपर भी ये थीम वर्क करेगी। तो आप देखिए कितना अच्छा चार्जिंग एनिमेशन आपको देखने को मिलता है, साथ में एज लाइटिंग आपकी कितनी अच्छे तरीके से वर्क कर रही है, कोई भी इशू लैग आपको बग देखने को नहीं मिलता और सिंपली से बहुत बढ़िया आपको ये थीम देखने को मिलती है। और एक बार फिर से आप इसकी लॉक स्क्रीन देखिए तो कितनी अच्छा चार्जिंग एनिमेशन और चार्जिंग का आने का एनिमेशन भी आपको बहुत बढ़िया देखने को मिल रहा है। तो चलिए अब बात करते हैं इस थीम को डाउनलोड कैसे करना है और इंस्टॉल करके अप्लाई कैसे करना है। सो फ्रेंड्स, इस थीम को डाउनलोड करने के लिए लिंक आपको मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है। जैसे ही आप उस लिंक के ऊपर क्लिक करोगे आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा। आपको डाउनलोड नाउ के ऊपर क्लिक करना है और आपके सामने एक और पेज ओपन होगा, आपको ये रहा लिंक हेयर, आपको इसके ऊपर क्लिक करना है। और ऐसे आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपका एक और नेक्स्ट पेज जो है वो ओपन होगा GP लिंक्स का। अब यहाँ से आपका पूरा काम स्टार्ट होता है डाउनलोड करने का। आपको यहाँ पर एक वेरीफाई का ऑप्शन मिलेगा, दो मिल रहे होंगे, आपको नीचे वाले वेरीफाई के ऊपर क्लिक करना है जैसा मैंने यहाँ पर किया। क्लिक करेंगे आपका नेक्स्ट पेज ओपन होगा, तो थोड़ा टाइम वेट कीजिए। एक्चुअली मेरा नेट यहाँ पर अभी स्लो है तो पेज ओपन होने में थोड़ा टाइम लग रहा है। पेज ओपन हो चुका है, अब आपको यहाँ पर जो ढूंढना है वो रहा प्लीज चेक द कैप्चा बॉक्स टू प्रोसीड टू द डेस्टिनेशन पेज। अब इसके नीचे यहाँ पर आपको एक ऑप्शन देखने को मिल जाएगा I am not a reboot का, आपको उसको टिक करना है। तो यहाँ पर जब वो ऑप्शन आ जाएगा तो उसको टिक करना, बट अभी वो ऑप्शन नहीं आ रहा, एक्चुअली नेट स्लो है। सो फ्रेंड्स, वो ऑप्शन आ चुका है I am not a reboot, इसके ऊपर टिक कीजिए और यहाँ पर आपकी टिक आ जाएगी ग्रीन कलर में। तो कई बार टिक आ जाती है, नहीं कई बार आपको यहाँ पर कैप्चा करना पड़ता है।
तो हो चुका है। अब आपको नीचे आना है और यहाँ पर आपको कंटिन्यू के ऊपर क्लिक कर देना है। अगर आप नेक्स्ट पेज के ऊपर रीडायरेक्ट हो जाते हो तो इसको हटा करके जीपी लिंक्स के ऊपर चले जाएं। यहाँ पर आपको क्लीन यूआई कलरफुल एनिमेशन यहाँ पर देखने को मिल रहा होगा। आपको सबसे नीचे जाना है और यहाँ पर आपकी टाइमिंग चली होगी। जब तक ये टाइमिंग पूरी नहीं होगी आपकी थीम डाउनलोड नहीं होगी। जैसे ये टाइमिंग पूरी हो जाएगी आपको प्लीज वेट की जगह यहाँ पर गेट लिंक देखने को मिल जाएगा। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ ऊपर जैसे आपकी टाइमिंग पूरी हो जाएगी तो यहाँ पर आप देखिए आपको गेट लिंक का एक ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। सो देखिए 3 सेकंड, 2 सेकंड और 1 सेकंड, अब यहाँ पर आपको गेट लिंक का ऑप्शन आ चुका है। आपको इसके ऊपर क्लिक करना है और नेक्स्ट पेज ओपन होगा। इसको हटा दें यहाँ से और इसके ऊपर आ जाएं और यहाँ पर आप देखिए क्लीन यूआई कलरफुल एनिमेशन, ये आपको गूगल जो ड्राइव है उसके ऊपर रीडायरेक्ट कर देगा यहाँ पर। तो आपको सिंपली से जैसे आपको गूगल ड्राइव आ जाएगा तो आप देखिए ये आ चुका है। अब यहाँ पर आपको सिंपली से इसके ऊपर यहाँ पर क्लिक करना है। क्लिक करेंगे ड्राइव आएगा। अब इसके बाद इसको डाउनलोड कैसे करना है, तो जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे नीचे आपको पॉपअप आ जाएगा क्लीन यूआई का। डाउनलोड के ऊपर क्लिक करेंगे, अब आप देखिए यहाँ पर डाउनलोड में तो मेरी थीम जो है वो यहाँ पर लग चुकी है क्लीन यूआई की। आप देखिए आपको 12.92 MB की ये थीम देखने को मिलती है, ज़्यादा बड़ा भी नहीं है। और जैसे ही आपकी ये थीम डाउनलोड हो जाएगी, डाउनलोड होने के बाद आपको जो यूसी डाउनलोड का फोल्डर है और जहाँ पर आपने इस थीम फाइल को डाउनलोड करके रखा होगा उस फोल्डर को ओपन करें। तो मेरी थीम ये रही और इस थीम में जैसे आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा। यहाँ पर इस थीम का प्रीव्यू है और नीचे इस थीम की कुछ चेंज लॉग और कॉपीराइटेड बाय टेक्टोट। ट्राईआउट के ऊपर क्लिक करेंगे, ये थीम टेस्टिंग होगी और आपके डिवाइसेस में सिंपली से एक इजी मेथड से ये इंस्टॉल हो जाएगी। पूरी इंस्टॉलिंग प्रोसेस भी मैंने आपको बता दी और थीम फाइल को कैसे डाउनलोड करना ये भी बता दिया और फीचर्स भी आपको एक्सप्लेन कर दिए। तो प्लीज़ इस थीम को डाउनलोड करके एक बार ट्राई कर लेना, क्योंकि इस थीम को बनाने में बहुत मेहनत लगी है। चार्जिंग एनिमेशन बनाने में तो बहुत ही ज़्यादा मेहनत लगी है। चलिए गुड बाय फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और एक वीडियो को लाइक करना, हो सके तो वीडियो को शेयर भी कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।